हेलो गाइज वेलकम बैक टू रियलिटी चेक माय नेम इज राइसा होप यू ऑल आर सेफ एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ इट्स बिन अ वाइल मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करे ब बट आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी शॉर्ट एक्चुअली मुझे एक और क्रीम के बारे में पता चला है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मैंने यूज़ करा है मैंने मोस्टली आई थिंक मेरे चैनल पर दो या तीन ही uh, पिम्पल की क्रीम रिकमेंड की थी जो अब तक मैंने बेस्ट क्रीम रिकमेंड की थी वो थी बेंजॉयल पेरॉक्साइड uh, ये वाले ब्रांड का फाइव वाला और ये भी सिर्फ एटीन प्लस वालों के लिए uh, जिनकी भी एटीन से बिलो है उनको मैं टू पॉइंट फाइव परसेंट वाला ही यूज करने के लिए रेकमेंड करती हूं ये थोड़ी हार्श हो सकती है इसलिए मैंने ये टीन एजर्स के लिए नहीं रेकमेंड किया है इसके अलावा जो मैंने क्रीम डिस्कवर किए इट्स अब तक की मेरी सारी क्रीम्स में सबसे बेस्ट क्रीम निकली है ये आई एम मैरिड नाउ मैंने अपनी शादी से पहले ये, ये यूज़ किया था एक महीना पहले अगर आप यू नो यू आर गेटिंग मैरिड या फिर ऐसा कुछ भी कोई बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये क्रीम यूज़ करना सॉरी um, अगर मुझे इसका प्रोनउंसिएशन नहीं आ रहा है तो क्लिंडा माइसिन एंड निकटो नामाइड जेल अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मैंने भी पहली दफ़ा ही यूज़ किया है इसका प्राइस वन सिक्सटी है अगर आपको ये सेम ब्रांड की नहीं मिलती है तो एटलीस्ट मेक शॉक करें कि जो दो इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं ना इस इंग्रेडिएंट की तो क्रीम एटलीस्ट आप ले लें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हो ये क्रीम भी पूरी ख़त्म नहीं हुई है सिर्फ मैंने इतनी सी यूज़ की है एंड आई स्टॉप यूजिंग इट क्योंकि विद इन टेन डेज़ मुझे रिज़ल्ट दिख गया था मेरे पिम्पल्स बहुत ज़्यादा थे और मेरा बिग डे था तो मुझे बहुत ज़्यादा पिम्पल कम करने थे बहुत खा पी लिया था पिम्पल्स लिटरली तीसरे दिन से मुझे कम होना नज़र आ गए थे गाइज मेरे हार्मोनल एक्ने ऐसा नहीं है कि या ऑयल की वजह से होते हैं हार्मोनल हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको डील करना बट दिस क्रीम इज़ रियली रियली ग्रेट अगर आपका कोई बड़ा इवेंट है और यू you नो know, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली ये वाली क्रीम यूज़ करें इसको भी मैं 18 प्लस वाले लोगों को ही आ, इस्तेमाल करने के लिए कहूँगी ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है गाइज़ तो आपको ये इंग्रेडिएंट देख के किसी मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ेगा ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है मैंने सर्च करा है और इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है आप बस रात में जहाँ पर आपको पिंपल है वहाँ पर लगाओ और सो जाओ सुबह में आप आराम से उसको वॉश कर सकते हो पूरे फेस पर मत लगाओ गाइस थोड़ा सा ड्राई आउट करती है ये इसीलिए इसको एटीन प्लस वाले लोगों के लिए बोल रही हो टीन के लिए नहीं यूज करना है प्लीज़ टीनेजर्स बहुत सारे सवाल करते हैं बट ये वाली क्रीम टीन के लिए बिल्कुल नहीं है अगर आपकी बिग डे है जैसे मेरी थी ट्रस्ट मी गाइज मेरा फेस इतना क्लीन है अब मुझे इसको ज़्यादा यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी अलहमद अभी तो ठीक है अभी पिम्पल्स तो हैं ही नहीं लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके कम हो जाए तो डेफिनेटली इसको यूज़ करो सेम ब्रांड नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट इन्ग्रीडियंट देख लो आप इसको यूज़ कर सकते हो मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर sure करो कि सिर्फ एक पिंपल पे लगाओ और नेक्स्ट मॉर्निंग चेक करो कि अगर वहाँ पे आपको रेडनेस या कोई इरिटेशन होती है तो देन यू कैन स्टॉप यूजिंग इट इतना कोई स्ट्रॉन्ग इंग्रीडियंट नहीं है कि आपको इसको डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन uh, के साथ लेना पड़े बहुत नॉर्मल इन्ग्रीडियंट है तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ये आसानी से मिल जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज